नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल का बड़ा बयान, बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश में पूरी तरह है पकड़। हर अपील की खुलकर पालना करते हैं देश के लोग। हर घर तिरंगा अभियान में झोपड़ी में रहने वाले लोगों से लेकर हर वर्ग के लोग अपने घर पर लगा रहे हैं तिरंगा। उन्होंने कहा, अपने घरों पर तिरंगा लगाकर देश के सभी लोग देशभक्ति में सरोबार। आगे उन्होंने बिहार में हुए बदलाव के सवाल पर कहा, विपक्ष में हर कोई बनना चाहता है प्रधानमंत्री, हर योजना में बनता है तीसरा मोर्चा, सब देख चुके हैं हश्र। उन्होंने कांग्रेस पर भी किया हमला, बोले हर घर तिरंगा अभियान की आलोचना करने वाले आज खुद निकाल रहे हैं तिरंगा यात्रा, तिरंगा किसी एक पार्टी का नहीं है। यहाँ पर हम आपको बता दें, रेवाड़ी IMA द्वारा शहर के हिंदू स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुँचे थे प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल। डॉक्टर साहब, आज पहुँचे इस कार्यक्रम में, पूरा कार्यक्रम क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से पूरे देश के अंदर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसी कड़ी में आज रेवाड़ी की IMA शाखा ने भी ये जो अमृत महोत्सव का आयोजन किया है, और उसके अंदर जिस तरह से जो हमारी आज़ादी, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने और सभी महापुरुषों ने अपनी कुर्बानी दे करके जो आज़ादी हासिल की थी, उस आज़ादी का जश्न आज हम सब मना रहे हैं। और एक और अच्छी बात की जो ये हम जश्न मनाते हैं, इसके अंदर हमारा जो मेन मकसद ये होता है कि हम हमारे जो शहीद हुए, जो हमारे इस आज़ादी में जिन्होंने योगदान दिया, उन सबको हम याद करें, उनको श्रद्धांजलि दें। उसके साथ साथ जो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, उस पीढ़ी को भी हमारे जो योगदान जिन पूर्वजों ने दिया था, जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने दिया था, उनका भी उनको ज्ञान होना चाहिए। तो आज मैं मंच से देख रहा था कि छोटे छोटे बच्चे, कोई सुभाष चंद्र बोस बना हुआ था, कोई लक्ष्मीबाई बना हुआ था, कोई बाल गंगाधर तिलक बने हुए थे, कोई सभी जो महापुरुष थे वो सब बने हुए थे। तो इससे एक देशभक्ति की भावना हमारे बच्चों में उत्पन्न होती है, और हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जिन्होंने आज़ादी में जो योगदान दिया, उनकी जीवन के बारे में उनको पता लगता है। तो बहुत अच्छा एक इवेंट है। और अलग से बात कर ले, पंचायत चुनाव में देरी को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया? देखो, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, और पंचायत मिनिस्टर ने भी कल स्टेटमेंट दी है कि पंचायत के चुनाव सितंबर के आखिर तक हो जाएंगे। कैग ने दुष्यंत चौटाला के एक्साइज डिपार्टमेंट में सवाल खड़े किए कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है। देखो, ये तो जांच कैग वाले जो रिपोर्ट है, ऑडिट होता है, वो जांच हो जाती है। सर, एक लगातार रेवाड़ी में दो SI के खिलाफ पहले मुकदमा दर्ज हुआ, कल एक धारवाड़ में SHO के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, कहीं ना कहीं रिश्वत लेते हुए, क्या लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं? हमारी सरकार इस मामले में बड़ी सख्त है, चाहे कोई भी हो, कोई अधिकारी हो, चाहे कोई कर्मचारी हो, अगर कोई गलत काम करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। देखो, ये तीसरा मोर्चा तो हर योजना में आता है, और उसका असर क्या होता है, ये आप सब लोगों को पता है। इसी तरह इनका भी असर यही होना है। कोई तीसरा मोर्चा कोई इफेक्टिव नहीं है। तीसरे मोर्चे में हर आदमी प्रधानमंत्री बनने का इच्छुक है, तो ये कोई मोर्चा मारकर सफल नहीं होने वाला। सर, हर घर तिरंगा को लेकर जिलेवासियों को क्या संदेश देंगे? देखो, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जिस तरह से हर घर तिरंगा के लिए अपील की है, और उस अपील का असर हम देख रहे हैं कि मैं अभी आ भी रहा था रास्ते में, तो झुग्गी झोपड़ियों तक भी मतलब तिरंगा लगा हुआ है। तो लोगों में एक जुनून है, और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो अपील है उसको सभी ने माना है, और देशभक्ति का जो पूरे देश के अंदर सराबोर है, पूरा देश देशभक्ति में, तो इससे ये लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से किसी भी तरह की अपील करते हैं, वो लोगों में एक पकड़ है उनकी, और लोग उनकी बात को मानते हैं। सर, कांग्रेस लगातार हर घर तिरंगा पे सवाल उठा रही थी, लेकिन अब कांग्रेस खुद तिरंगा यात्रा निकाल रही है, इस पर आप क्या कहें? देखो, तिरंगा किसी एक पार्टी का नहीं है, तिरंगा हर भारतीय का है, तो इसमें कोई पार्टी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर वो खाते थे तो गलत उठा रहे थे, आज क्यों तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे? डॉक्टर्स और डॉक्टर्स फैमिली ने मिलकर जो हमारा आज़ादी के अमृत महोत्सव का आयोजन यहाँ हिंदू हाई स्कूल में किया है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि कैबिनेट मिनिस्टर माननीय बनवारी लाल जी हैं, विशिष्ट अतिथि के रूप में DC महोदय हैं, हमारे साथ हमारे बड़े भाई हरको बैंक के चेयरमैन अरविंद जी भी हैं, इसी तरह से हमारे रेवाड़ी के कुछ प्रबुद्ध जन भी हैं, और IMA रेवाड़ी के सभी डॉक्टर्स का ये मानना है कि इस तरह के देश प्रेम के, इस तरह के जो कार्यक्रम हैं वो हमेशा होते रहते हैं, और ये जो कार्यक्रम करने का हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, ये जो पिछले
आज़ादी कैसे मिली थी, कितने संघर्ष और कितने बलिदानों के बाद हमें मिली थी, उसको हमारी आने वाली पीढ़ी को ये बताना है, ताकि उस वो जो समय था, संघर्ष का समय था, उससे हम कुछ प्रेरणा लेकर रियल में स्वतंत्र भारत की जो कल्पना हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने जो देखी थी उसको हम साकार कर सके। तो उसके निमित्त आईएमए रेवाड़ी के डॉक्टर्स ने मिलकर यहाँ आज़ादी का अमृत महोत्सव का कार्यक्रम किया है।